उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले की 8 गांव की महिलाएं शादियों में शराब परोसने के ट्रेंड के खिलाफ खड़ी हुई हैं। पिछले कई सालों में सुखी, झाला, पुराली, जसपुर, बगोरी, धराली, मुखबा और हर्षिल आदि गांव और आसपास के गाँव में शराब सेवन के बाद मारपीट की वजह से गांव का माहौल खराब हो चुका है। शराब के सेवन के चलन पर लगाम लगाने के बारे में जानकारी देते हुए मुखबा की ग्राम प्रधान शशिकला देवी का कहना है कि अगर कोई परिवार शादी समारोह में मेहमानों को शराब परोसते हुए दिखाई देता है तो ऐसे परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहना है कि शादी में शराब परोसने पर परिवार का बहिष्कार करने के साथ ही 51,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। पंच मंदिर गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने भी महिला ग्राम प्रधानों के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में शराब सेवन के बढ़ते चलन की वजह से महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि शादी में शराब सेवन के बाद मारपीट और लड़ाई झगड़े की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपसी रंजिश को भी बढ़ावा मिल जाता है। लेकिन शादियों में अब शराब परोसने की पाबंदी के बाद शादियों का माहौल ठीक रहेगा। उनका मानना है कि पाबंदी से अब न तो लड़ाई झगड़ा होगा और न ही मारपीट जैसी घटनाएँ देखने को मिलेंगी। शादी के एक दिन पहले होने वाली मेहंदी जैसे पवित्र रस्मों के दौरान शराब परोसना बहुत ही गलत परंपरा है। मुखबा में मां गंगा का शीतकालीन निवास स्थान है और शराब पर पाबंदी बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम है। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये यूट्यूब चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है झूठे व्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।